अस्सलाम वालेकुम दोस्तों दोस्तों आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि आप अपनी पिक्चर का बैकग्राउंड कैसे रिमूव कर सकते हैं, वो भी सिर्फ 5 सेकंड में। उसके लिए मैं एक आपको बहुत ही सिंपल सा तरीका बताऊंगा। जी दोस्तों, तो इसका तरीका बहुत ही आसान है। आपने मेरी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाना है, वहाँ आपको एक लिंक नज़र आएगा, उस पर आपने क्लिक करना है। जी हाँ दोस्तों, जब लिंक पे आप क्लिक करेंगे तो कुछ इस तरह का पेज एक ओपन हो जाएगा, तो वहाँ पे आपको नज़र आएगा लिखा हुआ सिलेक्टिव फ़ोटो। तो सिलेक्टिव फ़ोटो पे आपने क्लिक करना है और गैलरी पे क्लिक कर देना है, या जहाँ भी आपकी कोई पिक्चर पड़ी है तो वहाँ पे आपने चले जाना है। तो मैं गैलरी पे क्लिक करता हूँ और आ जाता हूँ उस पिक्चर की तरफ जो जिसका मैंने बैकग्राउंड रिमूव करना है। मैं इस पिक्चर का बैकग्राउंड रिमूव करने लगा हूँ, तो इस पर क्लिक कर देना है और ओके कर देना है। ठीक है, तो ये थोड़ा ही समय लगाएगा, सिर्फ 3-4 सेकंड लगाता है। तो आपका जो बैकग्राउंड है वो ऑटोमेटिकली रिमूव कर देता है और आपकी पिक्चर का बैकग्राउंड बिल्कुल ही ख़त्म हो जाता है। ठीक है, तो ये मेरी पहले आ रही है ओरिजिनल पिक्चर और उसके बाद वो हमें दिखा रहे हैं जिसका बैकग्राउंड रिमूव हो चुका है। ठीक है, इसको आपने कर लेना है सेव। इसके ऊपर जब क्लिक करेंगे तो डाउनलोड का ऑप्शन आ जाएगा, तो डाउनलोड पर आपने क्लिक कर देना है। पिक्चर आपकी हो गई है डाउनलोड। जी हाँ दोस्तों, आपकी पिक्चर का बैकग्राउंड रिमूव हो गया है। अगर आप चाहते हैं इसका बैकग्राउंड चेंज करना, वो भी मैं आपको बता देता हूँ इसी वीडियो में। उसके लिए आप कोई भी वीडियो एडिटर यूज़ करते होंगे, लेकिन बेहतर है कि आप पिक्सआर्ट यूज़ करें, ये बहुत ही अच्छा वीडियो एडिटर है। जैसे मैं आपको एक एग्जाम्पल दूँगा ये इस वीडियो पिक्चर का बैकग्राउंड चेंज करके, तो मैं इसको ओपन कर लेता हूँ। ओपन करने के बाद मैं सिलेक्ट करता हूं एक पिक्चर बैकग्राउंड के लिए। मैंने ये एक सिलेक्ट किया है बैकग्राउंड पिक्चर। ठीक है, और उसके बाद इस पे मैं ऐड फोटो पे क्लिक करता हूं। ये कुछ पिक्चर आ रही हैं, ये वो पिक्चर है जिसका बैकग्राउंड मैंने रिमूव किया है। तो इस पे मैं क्लिक करता हूं और ऐड पे क्लिक करता हूं, तो ये देखें, ये इस तरह एक पिक्चर आ जाएगी जिसका आपने बैकग्राउंड रिमूव कर रखा है। तो इसको आपने यहाँ पे एडजस्ट कर लेना है जिस हिसाब से भी आप रखना चाहते हैं। ठीक है, ये देखें, मैंने इसको पिक्चर को यहाँ पे सेट कर दिया है। आप तो ये हमारी पिक्चर यहाँ पे सेट हो गई है। इसका बैकग्राउंड रिमूव जो किया था पहले वाला, वो रिमूव हो गया, और इसका बैकग्राउंड जो है मैंने एक और पिक्चर डाउनलोड कर रखी थी वो मैंने यहाँ पे लगा दी है। तो इस तरह आपकी पिक्चर का बैकग्राउंड रिमूव हो गया है और चेंज भी हो गया है। उसके बाद आपने इसको ओके कर देना है और इसको आपने कर लेना इस तरह आगे आके सेव। यहाँ आप नीचे आके सेव पे क्लिक करते हैं, यहाँ पे सेव पे क्लिक करते हैं, आप गैलरी पे क्लिक करेंगे तो आपकी पिक्चर सेव हो जाएगी। यहाँ डन पे क्लिक करें और बैक आ जाएं। अब आप देख सकते हैं कि आपकी पिक्चर का बैकग्राउंड चेंज भी हो गया, रिमूव भी हो गया। ये देखें, ये वो पिक्चर है जिसका बैकग्राउंड हमने अभी चेंज किया है फर्स्ट वाला रिमूव करके। तो इस तरह आपकी वीडियो पिक्चर का बैकग्राउंड जो है वो चेंज हो गया है। उम्मीद करता हूं दोस्तों आपको ये मेरी वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई है तो लाइक भी करें, शेयर भी करें और कमेंट्स भी करें, और मेरा चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलें। शुक्रिया दोस्तों, अल्लाह हाफिज़।